उपसभाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों ने जो मर्यादा प्रस्ताव माननीय उपसभापति महोदया को दिया था उसमें विरोधी दलों के सभी लोग थे और शासक दल या सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया था। इसे मर्यादा समिति को सौंपने के बजाय उपसभापति महोदया ने इसे अस्वीकार कर दिया, जो कि संसदीय प्रणाली या संसदीय कार्य पद्धति के प्रतिकूल है। यदि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात आपने सुनी होती तो आप इसे अवश्य स्वीकार कर लेते और इसी शीतकालीन अधिवेशन में इसे मर्यादा समिति के पास भेज देते, जो बजट अधिवेशन तक अपनी राय राज्य सभा को दे देती और राज्य सभा के सभापति इस पर अनुकूल निर्णय ले सकते थे, लेकिन ऐसा न करके सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इससे शासक दल का क्या हित होगा। इससे पहले भी इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन उसको भी आपने स्वीकृत नहीं किया। कांग्रेस संसदीय दल में भी कुछ लोगों ने इस बात को उठाया था, लेकिन कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे इस मामले में फंसे हुए हैं और उनको यह डर है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। प्रश्नोत्तर काल के तुरंत बाद जब यह प्रश्न उठाया गया था तो आपने भी देखा था कि सदन में काफी शोर मचाया गया ताकि सदस्यों की बात सुनी न जा सके। यह मामला राज्य का भले ही हो, लेकिन विधानसभा जब भंग कर दी गई है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन होने से सीधी जिम्मेदारी संसद की हो गई है, इसलिए इसे आप स्वीकार करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तमाम विरोधी दल के लोग इसे सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव मानेंगे और इसके गंभीर परिणाम होंगे। पैरा श्रीमन, जैसा कि आप जानते हैं, विधान परिषद या विधानसभा की सीमाएं अपने विधान मंडल तक ही सीमित हैं। इसके बाहर जाकर यदि वे कोई वक्तव्य देते हैं तो उनके विरुद्ध मर्यादा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा
सकता है, क्योंकि राज्यसभा भारत के राज्यों की प्रतिनिधि सभा है। इसलिए इस प्रस्ताव का राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना सर्वथा उचित है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि आप मर्यादा प्रस्ताव पर विचार करें और इसे मर्यादा समिति को सौंप दें। पैरा, उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो मर्यादा प्रस्ताव माननीय उपसभापति महोदया को दिया था, उसमें विरोधी दलों के सभी लोग थे और शासक दल या सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया था। इसे मर्यादा समिति को सौंपने के बजाय उपसभापति महोदया ने इसे अस्वीकार कर दिया, जो कि संसदीय प्रणाली या संसदीय कार्य पद्धति के प्रतिकूल है। यदि लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आपने सुनी होती तो आप इसे अवश्य स्वीकार कर लेते और इसी शीतकालीन अधिवेशन में इसे मर्यादा समिति के पास भेज देते, जो बजट अधिवेशन तक अपनी राय राज्य सभा को दे देती और राज्यसभा के सभापति इस पर अनुकूल निर्णय ले सकते थे। लेकिन ऐसा न करके सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इससे शासक दल का क्या हित होगा। इससे पहले भी इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन उसको भी आपने स्वीकृत नहीं किया। कांग्रेस संसदीय दल में भी कुछ लोगों ने इस बात को उठाया था, लेकिन कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे इस मामले में फंसे हुए हैं और उनको यह डर है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। प्रश्नोत्तर काल के तुरंत बाद जब यह प्रश्न उठाया गया था तो आपने भी देखा था कि सदन में काफी शोर मचाया गया ताकि सदस्यों की बात सुनी न जा सके। यह मामला राज्य का भले ही हो, लेकिन विधानसभा जब भंग कर दी गई है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन होने से सीधी जिम्मेदारी संसद की हो गई है। इसलिए इसे आप स्वीकार करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तमाम विरोधी दल के लोग इसे सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव मानेंगे और इसके गंभीर परिणाम होंगे। पैरा, श्रीमान, जैसा कि आप जानते हैं, विधान परिषद या विधानसभा की सीमाएं अपने विधान मंडल तक ही सीमित हैं। इसके बाहर जाकर यदि वे कोई वक्तव्य देते हैं तो उनके विरुद्ध मर्यादा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चूंकि राज्यसभा भारत के राज्यों की प्रतिनिधि सभा है, इसलिए इस प्रस्ताव का राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना
सर्वथा उचित है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि आप मर्यादा प्रस्ताव पर विचार करें और इसे मर्यादा समिति को सौंप दें।